हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवर इवॉल्व के एक नया एपिसोड में, और आज हम लोग जाने वाले हैं केविंग करने। तो देख पा रहे हैं, हम लोग घूमते घूमते घने जंगल के अंदर आ गए हैं और एक केव मिल गया है। इस केव का नाम है केव ऑफ हंटर। तो अभी हम लोग वही जाने वाले हैं। देखिए मेरे रैप्टर कैसे जंप कर रहा है, वाह! मतलब रैप्टर का अलग ही मज़ा है भाई, जो भी बोलो, हर केविंग के लिए रैप्टर परफेक्ट है। तो चलो, हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। कहा गया केव का मुंह ये रहा। चलिए, तो यह आप लोगों को लोकेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा रुकिए एक सेकेंड, पीछे आ जाता हूँ। देखिए यही है इसका मुंह। तो अभी हमें देखना पड़ेगा लोकेशन। देखिए ये मैप खोल लिए हम, और ये एकदम मेरे बेस के पास ही है, एकदम बेस के पास। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट 80 एंड 52 और 3 के आजू बाजू में। ये ऐसे ही कुछ इंटरफेस है। चलिए घुसते हैं, इसके लिए थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। अभी मशाल हाथ में लीजिए, और केव के अंदर तो बहुत अंधेरा होता है, तो हमें मशाल चाहिए होगा। और अंदर घुसने के बाद ही केव लोड होना स्टार्ट होता है। ये देखिए चिपक गया गेम। केव बहुत ही अंधेरा होता है, जैसे कि बोला मैंने, अब कुछ भी नहीं दिखता होगा। तो अभी देखिए घुस गए हम केव के अंदर, अभी धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा। ये केव के जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा है। देखिए ये जम करके अटक गया, अबे कहाँ निकल निकल बे। ओके, अभी देखिए हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी करेंगे तो अटक जाएंगे। ये देखिए अभी यहाँ से घूमना पड़ेगा, ये एक ही रास्ता होगा, वैसे इतना हार्ड नहीं है ये केव। देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये थोड़ा गेम अटक रहा है ये केव के अंदर आने के बाद, फिर भी कोई ना, हमारे भाई लोगों के लिए तो ये इतना मुश्किल काफ़ी है, होता ही रहता है छोटा बहुत। अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डायनोज मिलेंगे, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। मकरी आएगा, फिर वो आएगा, क्या बोलते हैं उसका नाम, बिच्छू। हाँ, यहाँ से अभी इस तरफ जाएंगे तो केव है, तो और ये दूसरा तरफ है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा लूट मिलता है, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ डेंजरस डायनो मिलता है। तो यहाँ से चलते हैं, रुको, ये देखो मेटल मेटल वाला वो देखो, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम लोग वापस आएंगे उस तरफ से। तो ये देखिए आ गया मकरी काटने के लिए। इनको आप अकेले नहीं मार पाएंगे, अच्छा खासा डैमेज वाला रैप्टर या कोई डायर वुल्फ या कोई सेवर टूथ अच्छा खासा लेवल का होना चाहिए, तभी आप ये क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास सॉर्ड होना चाहिए, तभी ये क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा घास फूस है, और ये देखिए भाई खाई, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो जंप करते हैं। ये गए हम नीचे, ओ भाई नीचे आते ही मिल गया, मारो जल्दी। हाँ ये देखो वो ना, बस देखो कितना कुछ मिल रहा है हमें, और रैप्टर को खाना भी मिल रहा है अच्छा खासा। ये भाई बिच्छू आ गया, वो भाई बिच्छू आ गया। ये काटते कम है, ये बेहोश ज़्यादा करते हैं, तो इनसे बचना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। रैप्टर मार भी लिया कर, मारो मारो इनको मारो। देखो लाल लाल होना स्टार्ट हो गया, हमें बेहोश कर रहे हैं ये लोग। ये देखो काट लिया रे, ओ भाई हमें ना लग जाए, हमें लगेगा तो हम यहीं पर बेहोश हो जाएंगे, फिर मरना पक्का है। चलो एक सेकंड देख लेते हैं हमें का, ये देखिए ये है वही खाई, यहाँ से हम लोग जम करके नीचे आए थे। ओ भाई इतना नीचे है, अगर आप खाली जम करेंगे तो बहुत सारा हेल्थ जाएगा। ये रैप्टर से जम किया इसीलिए कम लगा है। वो देखिए सांप आ रहा है भाई, बिच्छू भी आ रहा है। ये देखो सांप आ गया, इसका नाम है टाइटन बुआ। ओ भाई काट रहा है, देखो दो तीन 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 सांप आ गया भाई साहब। ये देखो बेहोश हो रहा है, अगर आपको सांप भी काटेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे और आपका हेल्थ भी डाउन होता रहेगा। तो अभी तो बहुत ही गंदा सीन हो गया, ये क्या करें अभी।
देखिए हमें क्या क्या मिला है। देखो इतना सारा मीट सिर्फ 40 रख के, और कुछ देखता हूँ क्या रखना चाहिए। हाँ स्पाइक मिला एक, इतना सारा एरो, वो भाई देखो 65 एरो मिल गया, एक टॉक्सिन एरो भी मिल गया। ये देखिए ये स्टोन रख लेते हैं ना, हमें काम आएगा बाद में, पिकैक्स वगैरह। और थोड़ा बेरीज भी रख लेते हैं, ये देखिए कितना सारा बेरीज मिलते हैं इनको मारने के बाद। यहाँ पर चीटिन भी मिलते हैं पर अभी हमें उसका ज़रूरत नहीं, तो वेट क्यों बढ़ाए, चलिए ड्रॉप कर देते हैं सारा, क्या करेंगे इतना। तो हम अभी फिर से वेट लूज कर दिए। ओ भाई ये काट रहा था मैं, ओ भाई अभी जाते हैं हम इसे। ए भाग कर रहे बे, अबे भाग रहा है, अरे पीछे रह गया। ओ भाई मारेगा अभी, ये देखो आया रे पीछे से अटैक करता है, भाग रहा है अभी, मारो इसे। अरे रैप्टर मार ले, मारने का क्या लेगा। चलो अभी और भी बेरीज मिल गया। वो भाई सब लोग अटैक कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं, इतना लोग आ रहे हैं देखो। तो केव एक बहुत ही मतलब मुश्किल टास्क है, आप लोग अगर अच्छा कोई डायनो मिले तभी आना। वैसे लंबा चौड़ा या बड़ा डायनो मत लाना, क्योंकि केव के अंदर लंबा चौड़ा डायनो नहीं आता। चलो एक बार ही देख लेते हैं, हमारा हेल्थ हमें काट नहीं लिया ना, नहीं हमें नहीं काटा, हमारे रैप्टर को काटा था। ये देखिए लाल लाल दिख रहा है, स्क्रीन थोड़ा ब्लारी हो रहा है। चलो इसे मीट दे देते हैं, और फिर से एरो मिला। फिर से भाई घर पहुंच के आपको एरो का गिनती दिखाऊंगा, इतना सारा मिला है। अभी देखिए हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट केव के सामने, चुप किए थोड़ा देख लेते हैं आस पास। वो देखिए और आ रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, क्या कर लेगा ये, काटने दो क्या होगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं ये, हमारा रैप्टर बहुत ही पावरफुल है बाय द वे। चलो आ गए केव के छोटा सा मुंह, अभी हमारा रैप्टर का साथ यही तक था। फिर से एक बार और देख लेते हैं साउंड आ रहा है। चलो उतरते हैं, इसे नेचुरल में रख देते हैं, क्योंकि अभी इसे खुद का डिफेंस खुद ही करना पड़ेगा। वो भाई कितना अंदर है, ये देखो यहाँ पर और एक मकड़ी है, वो भाई मार रहा है, काट रहा है, वो भाई गया है काम से। जल्दी मारो जल्दी मारो, इनको स्पाइक से जल्दी मार सकते हैं, पर मेरे पास अच्छा स्पाइक नहीं है, अगर मेटल वाला स्पाइक होगा तो अच्छा होता। देखिए मेरा रैप्टर अभी गुस्सा हो गया, एग्रो हो गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। वो दिख रहा है मुझे आर्टिफैक्ट, इतना सारा डायनो यहाँ पर रहता है। बाय द वे मैं कभी आऊँगा यहाँ पर इनको टेम करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इनको कैसे टेम करते हैं। ये इन लोगों को टेम करना बहुत ही आसान है, पर ये लोग झुंड में रहते हैं तो आप कभी भी बेहोश हो सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चलिए इनको मारते हैं, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, वो भाई काट रहा है। देखो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इसलिए वो लोग बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, और मैं तो लगातार फायर करना ही पड़ेगा मुझे। देखिए मरने का नाम ही नहीं ले रहा, एक गया दूसरा आ रहा है। भाई प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई वीडियो और चैनल को, आपके लिए कितना मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, डिसलाइक मत मारो भाई। जो रैप्टर को थोड़ा पीछे लेके आते हैं, रैप्टर अटक गया। ओ भाई मैं कहाँ बैठ गया, रैप्टर के सर के ऊपर बैठ गया। अरे और एक मार रहा है भाई, देखिए क्या ही बोलूँ। अब 1 सेकेंड नहीं हुआ हम यहाँ से गए, हमारे ऊपर और एक स्पॉन कर दिया। चलिए रैप्टर का साथ यही तक रहता था, चलिए अभी आगे चलते हैं, क्या क्या होगा, और कोई है क्या सामने। ओ बीटल मिल गया, डंग बीटल, सही है। ये डंग बीटल मेनली खाता है
क्या स्पॉइल मीट खाता है। और ये डंग बीटल देता बहुत कुछ है, जैसे कि फर्टिलाइजर देते हैं। ये देखिए एक बार में 36% हो गया। तो ये डंग बीटल बहुत कुछ होता है, इससे ये फर्टिलाइजर बनाता है हमारे लिए। और हम वो फर्टिलाइजर आप लोग तो जानते हैं, हम लोग रियल लाइफ में भी पौधा बनाने के लिए, पौधा उगाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। चलिए आर्टिफैक्ट ले लेते हैं। ये देखिए आर्टिफैक्ट ऐसा दिखता है, ले लिया। ओ भाई इतना मस्त है, बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। ये पर एक एक्सप्लोरर नोट है, ये टाइटन बुआ का है। एक्सप्लोरर नोट से तो बोला ही होगा आपको शायद, अगर पता नहीं है तो बोल देता हूँ। एक्सप्लोरर नोट से आपका लेवल अप जल्दी होता है, तो जितना भी एक्सप्लोरर नोट मिले तो उनको लूट लिया करिए। देखिए मेरा एक लेवल अप हो गया, पर अभी लेवल अप नहीं करूँगा, अभी डंग बीटल टेम करना है। चलिए मिलते हैं डंग बीटल टेम करने के बाद। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया कंप्लीट, देखिए 97% हुआ है। और ये डंग बीटल हमारा बहुत ही काम आने वाला है, प्लांट को ग्रो करने के लिए ये डंग बीटल बहुत ही काम आता है। चलिए हो गया टेम, पर ये लेवल 1 का है, ये धीरे धीरे लेवल अप होगा। चलिए इसको लेके चलते हैं अभी बेस पर। इसे लेने के बाद अभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इसको हाथ में लेने के बाद हम मशाल नहीं पकड़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी रैप्टर में बैठते हैं भाई लोग। अगर कुछ ना दिखे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर कभी और मौका मिले वीडियो बनाने का तो लाइट के साथ आएंगे। पर ये डंग बीटल हमें बहुत चाहिए था, ये रेयर होता है ऑलमोस्ट, ज़्यादातर ये केव में ही मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। तो देखिए वहाँ पर और 2-4 बिच्छू है भाई। तो अभी चलते हैं, भागते हैं, चलते नहीं भागते हैं, भाग बे रैप्टर भाग। ओ भाई पकड़ने वाला है, ओ भाई बच गया बच गया बच गया बच गया, ओ भाई ये अरे वो देखो सामने और भी बिच्छू खड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, पर सामने बहुत कुछ है। तो भाई देखो आपके लिए इतना रिस्क उठा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए भाई, यहाँ से हम लोग वो जंप किए थे हाई के नीचे, देखिए अभी यहाँ से ऊपर जाना है, सेम रास्ता है, बस वहाँ से घूम के आया। मैं बोला था ना स्टार्टिंग में वहाँ से वापस आना पड़ेगा, यहाँ से और वहाँ से। अब लोग में बहुत लोग हैं जो उस रास्ते से जाएंगे, पर वहाँ पर और एक कीड़ा रहता है जो आपका आर्मोर डैमेज करता है। वो तो नीचे जहाँ से आया हूँ वहाँ भी रहता है, पर मैं बहुत जल्दी जल्दी आ गया। अभी तो हम आर्टिफैक्ट लेने आए हैं तो छोड़ो, चलिए अभी धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आपके लिए इतना मुश्किल उठा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है, जैसे वो क्रिस्टल है उनको तोड़ने से क्रिस्टल मिलता है, हम लोग स्पाई ग्लास बना सकते हैं उससे। स्पाई ग्लास कभी और बना के दिखाएंगे। ये देखिए हम लोग बाहर आ गए। ओ भाई रैप्टर अटैक कर दिया, ओ भाई मार रहा है। चलिए इनसे भी फाइट ले लेते हैं आराम से, ओ भाई मार रहे हैं देखो कैसे। तो चलिए अब हम बेस में चलते हैं, मिलते हैं बेस में चलने के बाद। तो देखिए हम लोग बेस में आ गए हैं, अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये नदी पार करना पड़ेगा, ये देखिए पैरासोरस एक लेवल का, कछुआ भी है वहाँ पर। अरे गिर गया रे, वह रैप्टर रुक तू यहीं पर, मैं उसे लेके आता हूँ, वो बहुत ही कीमती चीज़ है। आ जा बे आ जा, अरे कहाँ जा रहा है आ जाना। अरे भाई ये भी बहुत ही मतलब समझदार है, उसे भी पता है पानी के बाहर जाना। वो भाई पिराना आ गया, ये बोला था जंगली मछली। ये देखिए अभी हमारा रैप्टर कैसे काटता है उसे, देखिए मार दिया आ गया। और एक है पर उसे मारेंगे नहीं, बाद में कभी फिश मीट चाहिए होगा तो। ये बंदर मिला, चलिए आ गए हम बेस। तो आप लोग गुस्सा होंगे मुझे पता है, मैं बेस पूरा अपग्रेड कर लिया, बेस वैसा का वैसा ही है, पर यहाँ पर मैं पूरा अपग्रेड कर लिया, ये सारा स्टोन का कर दिया। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, रैप्टर से उतर रहा हूँ। ये देखिए मेरा पूरा बेस स्टोन का है, अभी वो वुड का था अभी स्टोन का हो गया। तो आप लोग ज़रूर बताना घर कैसा लगा आपको, और अभी पूरा घर का टूर कराएंगे, अभी इसको रखने दो थोड़ा।
ये कौन आ गया रे बेस के अंदर, अरे पिंटू इंडियन, ये पिंटू भैया का दूसरा आइडिया है शायद, बेस के अंदर घुसा दिया। क्या ही बोलूँ, यहाँ पर एडमिन लोग टीपी करते करते क्या करते हैं फिर। चलिए डंग बीटल को देखते हैं, देखिए हमारा डंग बीटल, ये देखिए गोल्डन कलर का है भाई, बहुत ही मस्त इसका डिज़ाइन तो देखो। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं ये जो आर्टिफैक्ट मिला है इसे ट्रिब्यूट करने के लिए। तो भाई ये बहुत ही ये ज़बरदस्त सीन होने वाला है, अभी हम लोग जाने वाले हैं ऑब्लिस में। तो चलिए ऑलमोस्ट हम लोग भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं, ये देखिए रैप्टर के साथ, वो देखिए हमारे पास, वो देखिए ग्रीन ऑब्लिक। अरे डिप्लोडोकस भैया कैसे हो, इसे बेरीज खिलाना पड़ता है वरना ये गुस्सा हो जाता है। वो देखिए ग्रीन कलर का ऑब्लिक कितना बड़ा है, दूर से दिखता है वो दिख रहा है देखिए। चलिए भागते भागते वहाँ तक चलते हैं, ये पूरा रास्ता मैं रैप्टर के साथ जा रहा हूँ, पर ये फ्लायर के साथ अच्छा होता है ज़्यादा। आप लोग ज़रूर फ्लायर यूज़ करिएगा, जैसे कि पेट्राडॉन, वो देखिए ऊपर उड़ रहा है। चलिए अभी ऑलमोस्ट ये फंस गया ये निकल पे, हाँ अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए कितना घना जंगल है, तो यहाँ से दूरी रहिएगा। मेरे पास तो थोड़ा हाई लेवल का रैप्टर है, इसीलिए मैं रैप्टर से भागते भागते आ गया, पर इसमें बहुत टाइम लग जाता है। वो देखिए मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, देखा नीचे कार्नो भी है, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो आप लोग थोड़ा खतरनाक जानवरों से बच के रहिएगा। देखिए वो देखिए ग्रीन ऑब्लिक कितना मस्त दिखता है यार, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, उसके तरफ ही भाग रहा हूँ तब से, ये नहीं पहुँच। वो देखिए इतना देर भागेगा बे, आ ही नहीं रहा रास्ता। देखिए ऑलमोस्ट आ गया, पर आप ये ट्राई मत कीजिएगा, अभी मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, मेरे पास कोई फ्लायर नहीं है। आप लोग ज़रूर फ्लायर पकड़ लीजिएगा, एक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर आपको चाहिए वीडियो तो मुझे बोलिए, मैं फ्लायर का वैसे बनाने ही वाला हूँ, नेक्स्ट वाला वीडियो होगा पेट्राडॉन का, और कैसे फार्मिंग करते हैं वो वाला, और थोड़ा और भी आपको आइडिया दूंगा ना, आप लोग मेरे भाई लोग हैं, आपको सिखाना पड़ेगा। ये एकदम ही बेसिक सा एक आर्क प्लेइंग का है, तो आप में जो लोग मतलब आपका जो फैमिली लोग है फ्रेंड लोग है उनमें अगर कोई ये गेम पसंद नहीं है वा बोलते हैं कि ये गेम अच्छा नहीं होता, तो उनको आप समझाइए ना, हमारा वीडियो दीजिए दिखाइए। ये देखिए थेरिजोनासोरस, इससे बच के रहिएगा, ये एक में मार देता है, मैं तो पंगा लूँगा भाई, मुझे यहाँ से जाना है। ये देखिए कितना मार रहा है, लाल लाल हो रहा है मेरा स्क्रीन, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये मुझे पीछा करते करते आता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है ये। चलिए इससे पहले निपटना पड़ेगा वरना ये जाने नहीं देगा। और भाई